मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। अचानक खबर आई कि सोनू सूद ने ये फिल्म छोड़ दी है। सोनू फिल्म में मराठा वॉरियर सदाशिवराव भाऊ का किरदार निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। फिल्म में कुछ पैच वर्क बाकी था जिसके लिए सोनू को शूटिंग करनी थी। सोनू ने सीधा कहा कि उन्होंने ये फैसला कंगना रनौत की वजह से लिया है। दरअसल सोनू को फिल्म के कुछ सीन फिर से शूट करने के लिए कहा गया, लेकिन सोनू ने फिल्म छोड़ने का फैसला ले लिया। सोनू के फिल्म छोड़ने के बाद अब कंगना का बयान सामने आया है। कंगना ने सोनू पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी महिला डायरेक्टर के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं और सोनू पिछले एक साल से मिले ही नहीं हैं। वो अपनी नई फिल्म सिम्बा में व्यस्त हैं। उन्होंने हमें शूटिंग के लिए जो डेट्स बताई थी उन पर भी वो सेट पर नहीं आए। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें फिल्म दिखाई और लेखकों ने उन्हें पैच वर्क के लिए कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वो एक महिला डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। ये मेरे लिए भी काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि सोनू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनकी एक फिल्म का म्यूजिक भी लॉन्च किया था जिसको उन्होंने प्रोड्यूस किया था। मणिकर्णिका की पूरी टीम को मुझ पर भरोसा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोनू को ना तो मुझ पर भरोसा है और ना ही मेरे लिए डेट्स हैं। कंगना आगे कहती हैं कि जब मैंने आखिरी बार उनसे बात की थी तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी नए कलाकार के साथ अपनी फिल्म बना सकती हूँ। उसके बाद मैंने जीशान आयुब को फिल्म की कहानी सुनाई। जब सोनू को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत हमारे स्टूडियो से बात की और अपनी तारीखें दे दी। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब मुझे सुनने में आ रहा है कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की है। मैं उनसे पिछले एक साल से मिली ही नहीं हूँ, तो मैं उनसे बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ। कंगना ने यह भी बताया कि सोनू ने फिल्म में अपना एक कुश्ती सीन खुद रखवा लिया जो स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर के साथ मिलकर कई सारे ऐसे सीन शूट किए जो स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। वो चाहते हैं कि प्रोड्यूसर कुश्ती वाला सीन रखे क्योंकि उसमें उनकी बॉडी दिखेगी। जब लेखकों ने ये सीन देखा तो उन्होंने खुद कहा कि उन्हें ये सीन नहीं चाहिए। अब कंगना रनौत के पलटवार पर सोनू सूद का क्या रिएक्शन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।